हमारे साथ है। अगाथा संगमा जी जुड़ रही हैं इस वक्त कार्यक्रम में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगाथा जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मेघालय में जो चुनाव अभी खत्म हुआ है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि जैसे अखिलेश जी पहले कह रहे थे, बड़ी एक कमाल की स्थिति वहां पर ही है, जिन लोगों ने मिलकर 5 साल तक सत्ता चलाई, अब वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा जो इलेक्शन है, हमारी पार्टी का, एनपीपी का, हम हमेशा ही इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। हमारे पास कभी भी प्री पोल अलायंस नहीं रहता, पहले भी ऐसे था और इस बार भी वैसे ही है। तो यू नो, वी आर फाइटिंग इंडिपेंडेंटली, एंड इसमें कुछ भी चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमने पहले से किया हुआ था। लेकिन आपको लगता नहीं कि थोड़े वोटर्स कंफ्यूज हो जाते होंगे इससे, जिन लोगों के साथ आपने सरकार चलाई, अब आप जब कैंपेन में जा रहे हैं तो उन्हीं की खामियां आप गिना रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे एनपीपी का जो इलेक्शन, अगर आप कैंपेन देखेंगे, हमारा कैंपेन इज ओनली वेरी पॉजिटिव। हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोला नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हमने कुछ कैंपेन नहीं किया। शायद जो हमारे प्री अलायंस थे उन्होंने किया होगा, लेकिन उसके बारे में मैं कमेंट नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जो हमारा कैंपेन है, इट हैज ऑलवेज बीन कि हमने कौन से मुद्दे हमने उठाए, कौन से हमने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस जो किए थे लोगों को, हमने कौन से में हमने डिलीवर किया है। तो बेसिकली पीस, डिवेलपमेंट, यू नो, ऑल दीज आर द थिंग्स जिसपे हमने इस इलेक्शन पे कैंपेन किया है, और हमारा कैंपेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके हमने किया नहीं है। चाहे आप टारगेट ना करें अगाते जी, लेकिन आपकी जो सहयोगी रही है बीजेपी, उसने तो काफी हमले बोले थे सरकार के ऊपर, कहा कि सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। ये अलग बात है कि वो सरकार का हिस्सा थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी त्रिपुरा की तरह ही मेघालय में भी अपनी ताकत बढ़ाना चाह रही है, और शायद ये आपके जैसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली जो भी पॉलिटिकल पार्टी है कोशिश करेगी कि अपना बेस बढ़ाए, और बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, ऑब्वियसली वो ट्राई करेगी कि वो अपना बेस बढ़ाए। ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ यू नो, इसमें कुछ क्या बोलते हैं, इसमें हम वी कांट लुक सो डीप इन टू समथिंग लाइक दिस। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बींग इन पोलिटिकल पार्टी। और एक सवाल लगा था जी, जो आपसे बार बार पूछा जाएगा परिणाम आने तक, और शायद परिणाम वाले दिन भी, कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है पिछली बार की तरह, तो क्या आप फिर से साथ आएंगे बीजेपी और आप? देखिए, ये आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट इसके ऊपर, बट मेरे ख्याल से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम एक सिंगल पार्टी, एक मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और हमको किसी और की अलायंस की जरूरत नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, दीपक दीवान जी भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। जी दीपक जी। अगता, दीपक दीवान हियर इन द स्टूडियो। मैं आपसे एक सवाल है, देखिए, गारो हिल्स में एनपीपी बहुत स्ट्रांग रही है, अब वहाँ 24 सीटें हैं, अब इस बारी वहाँ पे टीएमसी लड़ रही है, जिसको मुकुल संगमा लीड कर रहे हैं, वो भी संगमा है, आप भी संगमा है, तो आपका वहाँ मुकाबला टीएमसी के साथ है या बीजेपी के साथ है? हमारा मुकाबला एक्चुअली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एग्जैक्टली नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी एरियाज में हमारा बीजेपी के साथ टक्कर है, किसी एरिया में हमारा टीएमसी के साथ टक्कर है, और किसी एरिया में हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ टक्कर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी एरिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमारा राइवल है, सभी में अलग अलग यू नो अलग अलग इक्वेशन है। अगाथा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी इंडिया पर मेघालय के चुनाव पर भी लोगों की बहुत बारीक नजर रहेगी।